ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कल तक हम लोगों ने क्या देखा था, NaCl देखा था। अब NaCl में हम लोगों ने लास्ट यूज देखा था कि ये बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के काम आता है। तो ऐसे कौन कौन से सोडियम के कंपाउंड्स हैं जो किससे बनते हैं? NaCl से। तो हमने बोला कि अभी बनते बहुत सारे, क्या बोला, बनते बहुत सारे सारे, लेकिन हमें अभी कौन से पढ़ने? चार तीन तीन। अभी हमें कितने पढ़ने? तीन। तीन एक पढ़ना है NaOH जो कि बेस होता है कॉस्टिक सोडा, दूसरा वॉशिंग सोडा और तीसरा बेकिंग सोडा। ये सब सोडा 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 क्यों है? क्योंकि ये सोडियम से बनते हैं। ये सब सोडा सोडा क्यों है? क्योंकि ये सोडियम से बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा देखना है हम लोग को? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो केमिकली क्या होता है? NaOH, और उसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। आई बात समझ में? अब कॉस्टिक सोडा जिस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है। अब इसको क्लोर एल्केली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें से दो प्रोडक्ट निकल कर आते हैं, एक क्लोरीन गैस और दूसरा NaOH। अब बनाना ही NaOH है तो बनेगा भी क्या? NaOH ही NaOH बनेगा, ठीक है। अगर बनाना ही NaOH है तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्लोरीन गैस बनती है और बनाना क्या था? NaOH। तो बनेगा भी क्या? NaOH। NaOH को हम लोग एल्केली क्यों बोलते हैं? बिकॉज एल्केली आर बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वॉटर। एल्केली आर बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वॉटर, वाटर। मतलब ऐसा बेस जो पानी में घुल जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्केली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH को हम लोग एल्केली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस, इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट कौन बनता है? क्लोरीन, और दूसरा प्रोडक्ट कौन बनता है? NaOH। और NaOH क्या है? एल्केली है। एल्केली मतलब क्या? एक ऐसा बेस जो पानी में सॉल्यूबल होता है। ओके, अब इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? ब्राइन का। मुद्दा ब्राइन क्या होता है? तो हम लोगों ने बोला ब्राइन इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब ब्राइन कुछ भी होता, नमक को पानी में डाल दो तो ब्राइन बन जाएगा। कितना नमक पानी में डालेंगे? इतना डालेंगे, इतना डालेंगे, जितना डालेंगे कि और ज्यादा ना डाल पाए। सो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसका करना क्या है क्लोर अल्कली प्रोसेस में? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग ब्राइन का ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से जब हम लोग ब्राइन का ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ये देखो, ब्रेक डाउन करना है तो NaCl किस में टूट जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में। H2O किस में टूट जाएगा? H अच्छा प्लस और OH माइनस में। तो ये दिख रहा है Na, ये दिख रहा है OH, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। Na किसके साथ कंबाइन किया? OH के वन साथ, और क्या बना लिया? NaOH। अकेला कौन रह गया? एक ही है Cl माइनस और एक ही है H प्लस। अकेला कौन रह गया? एक ही है Cl माइनस और एक ही है H प्लस। ये जो Cl माइनस है, ये माइनस है ना, ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे। प्लस वाला इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। कौन? क्लोरीन। एनोड पे जाएगा कौन? क्लोरीन। और वहां एक दोस्त बना लेगा, किससे? दूसरे क्लोरीन से। तो दो Cl माइनस किसके पास जाएंगे? एनोड के पास। एनोड बेचारा गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एनोड बेचारा गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cl माइनस के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको दे देगा? एनोड को। और खुद क्या बन जाएगा? Cl2। खुद क्या बन जाएगा? Cl2। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड जो है ना, वो तो खुद ही नेगेटिव होता है, उसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि H प्लस। H प्लस बेचारा गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किससे ले लेगा? एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? कैथोड से, और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन।
जब दो एच प्लस आयन, जब दो एच प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में बहुत ध्यान से वापस से सुनना क्या हुआ था। सबसे पहले NaCl ब्रेक डाउन हुआ था Na प्लस और Cl माइनस में। H2O ब्रेक किस में हुआ, H प्लस और OH माइनस में। Na और OH ने कंबाइन करके क्या बना लिया, NaOH, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये जो H प्लस था ये कैथोड पे चला गया और ये जो Cl माइनस था ये कहाँ चला गया, एनोड पे। कैथोड पे H प्लस ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन गैस बना ली, और एनोड पे Cl माइनस ने क्या करा, क्लोरीन गैस बना ली। ओके ठीक है। NaOH के हमने कितने यूजेस पढ़े, बहुत सारे। पहला डीग्रीजिंग मेटल, मतलब मेटल में से ग्रीज निकालना। दूसरा क्या, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फॉर्म करना। तीसरा पेपर मेकिंग में काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के काम आता है, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं ना वो, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ काम आता है, फ्यूल्स बनाने के लिए, मार्गरीन बनाने के लिए, और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे कि कौन, अमोनिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरीन कहाँ कहाँ काम आता है, तो हमने बोला वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं तो वो जर्म्स को मार देते हैं। स्विमिंग पूल्स क्लीन करने के लिए भी क्या होता है, क्लोरीन काम आता है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप्स वगैरह बनते हैं, वो भी किससे बनता है, क्लोरीन से बनता है। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स किससे बनते हैं, क्लोरीन से बनते हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो रेफ्रिजरेशन के काम आते हैं, चीजों को ठंडा करने के काम आते हैं, वो भी किससे बनते हैं, क्लोरीन से बनते हैं। और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी क्यों, क्योंकि अगेन क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स मारता मारता है, है तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स बनाने के भी कौन काम आता है, क्लोरीन काम आता है। क्या कहानी समझ में आई, बोलो कोई परेशानी।